ये थाना कोतवाली नगर के रामलीला ग्राउंड स्थित एक मंदिर में बालिका से छेड़खानी का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्ची का मामला है, रामलीला में वो है मंदिर है, वो पंडित जो है बच्चियों को छेड़छाड़ी करता है। मेरी बच्ची है, इनकी बच्ची है, उनकी गैल बदतमीजी करता है। उससे पूछी बात करके ऐसा क्या करता है, तो नुकरा मैंने एक बार ही तो छुआ, मैंने एक बार ही तो पूछी ली, जो तुम पे हो तुम कर लो, थोड़े चमारे छोटे बच्चों को भेज देते। अच्छा, आप पुलिस में आए हैं, पुलिस द्वारा क्या सहायता? अब आए हैं पुलिस में, ये क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये जेल जाए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। ये हमारे बच्चे वहाँ पे प्रसाद के बहाने आते थे, चलो बच्चे खेलने भी लग जाते थे, तो ये प्रसाद के बहाने ये पुजारी बुलाता था ना, बच्चे आ जाओ, और इस तरीके से उनको गलत गलत जगह छेड़ता था, और बच्चे वो करने मतलब को अब इस तरीके से उन्हें, हाँ ऐसे ऐसे हाथ फेरता था। तो कल क्या हुआ था? कल इस तरीके से हुआ, बच्ची ने हमें बताया, हमारी घर वालियाँ वो गई हैं, मैं ड्यूटी पे था, मेरे को शाम को पता चली ऐसे ऐसे बात है, तो मैडम ने उससे जाके पूछा, उसकी थप्पड़ भी मारे, जब जाके उसने हाँ भी कही थी, मैंने पुच्ची करी है, हाथ पर हाथ फेरा। अब इतनी कब से ये पुजारी इस मंदिर पर था? मंदिर पर 3-4 महीने से है पुजारी, पिछले भी जन्माष्टमी वाले हरकतें करी किसी लेडीज के साथ, उसके कोई कंप्लेन नहीं। पुलिस ने अभी आश्वासन कुछ नहीं दिया, सूचना रात ही दे दी है, रात 10 बजे गए हैं हम यहाँ से। पुजारी अंदर हवालात में बंद है, हम ये चाहते हैं कि इसे जेल हो जाए और ये मंदिर हमेशा के लिए बंद हो जाए, जबकि मंदिर मंदिर हमारे यहाँ रोड पे भी हैं, यहाँ से इतना मंदिर यहाँ है, इतना और आगे आ जाओ तो मंदिर है, रोड पे है, यहाँ पे अच्छी से पुलिस की आना जाना भी रहता, स्वच्छता भी रहती। बच्ची है हमारी 7 साल की, और दूसरे इतनी है करीब 3 साल, लगभग 7-8 साल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।